पहला प्रमाण है शिव महापुराण से, ये विशेष करके विश्वेश्वर संहिता के दशम अध्याय के 36वें क्रमांक श्लोक से है। मैं श्लोक को पहले गाऊंगा, फिर आपको उसका अर्थ मैं वर्णन करने का प्रयास करूंगा। अग्निश्च शीतताम यातो, जलम च स्थलताम गतम, स्थलम च जलताम यातम, विषम च अमृतताम गतम, शस्त्राणि पुष्प भावम च हरे नाम च कीर्तनात्। हरि नाम की क्या महिमा है ये गाई गई है। कहते हैं कि अग्नि ही च शीतताम यात, कि अग्नि भी शीतल हो सकती है हरि नाम से। हमें विश्वास नहीं है, इतना दृढ़ विश्वास नहीं है, परंतु अब नरसिंह चतुर्दशी का पावन पर्व हमने मनाया और हम बारंबार ये हर साल सुनते हैं कैसे प्रहलाद महाराज को भिन्न भिन्न प्रकार से हिरण्यकशिपु ने कष्ट दिया, क्लेश दिया, परंतु प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए। उनको आग में डाला गया, उनको जहरीले सांपों के गड्ढे में डाला गया, उनको हाथियों के चरणों में फेंका गया, उनको विष पान कराया गया, उनको हथियारों से आक्रमण किया गया, बहुत प्रयास किया गया उनकी मृत्यु के लिए, परंतु प्रहलाद महाराज के बाल को भी बाका नहीं कर सके वो। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में कहा गया अग्नि ही च शीतताम याता, कि हरि नाम जपने से अग्नि भी शांत हो सकती है और शीतल हो सकती है, और जलम च स्थलताम गतम, हरि नाम जपने से पानी भी स्थल के समान अर्थात जमीन के समान एकदम स्थिर हो सकती है, और स्थलम च जलताम यातम, हरि नाम जपने से भूमि भी पानी के समान हो सकती है अर्थात महासागर भूमि और भूमि महासागर में परिवर्तन, परस्पर परिवर्तित हो सकता है हरि नाम जपने से। और यही नहीं, विषम च अमृतताम गतम, कि विष भी अमृत का कार्य कर सकता है हरि नाम जपने से। और ये देखते हैं हम कई कई बड़े बड़े आचार्य, दिग्गज आचार्यों के जीवन में उनको विष दिया गया, परंतु वो विष का प्रभाव नहीं हुआ। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के चरित्र में कि विष पान कराया गया, फिर भी उनको वो अमृत का कार्य किया। क्यों? क्योंकि जो निरंतर हरिनाम जपता है, जिह्वा पर हरिनाम निरंतर होता है, वो जिह्वा पर जब विष स्पर्श करता है तो अपने आप हरिनाम के प्रभाव से वो विष चरणामृत का काम करता है। प्रहलाद महाराज के जीवन में जब विष दिया गया, उन्हें ये चरणामृत लगा और चरणामृत के भाव से उन्होंने ग्रहण किया और उनके हृदय में और उनके शरीर में भक्ति स्फुरित होने लगी, चरणामृत का कार्य हुआ। ये है हरि नाम की महिमा।